शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब तक आपने देखा एक तरफ बहुत ही खुशहाल और सुंदर राजा और रानी थे और दूसरी ओर इंसानी रक्त पीकर अपनी उम्र को बचाने वाली एक डाकिनी। उस डाकिनी को अपना मकसद पूरा करना था जिसके लिए जरूरत थी उसे रानी के पेट में पलने वाले राजकुमार की। अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो राजा को अपने वश में कर उसे मार देती है और उसी राक्षसी मुहूर्त में जन्म होता है राजकुमार का। डाकिनी चंद्रलेखा चुड़ैल मंदाकिनी के साथ राजमहल में आ जाती है और राजमहल पर कब्जा कर लेती है ताकि वो अपना मकसद पूरा कर सके। अब आगे चंद्रलेखा, तुम ठीक तो हो ना? ये मंदिर की घंटियां, ये मुझे बहुत बेचैन कर रही हैं। ये मेरी शक्तियों को कम कर रही हैं। चंद्रलेखा, संभालो खुद को। घंटियां थोड़ी देर में बंद हो जाएंगे, संभालो। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। इस मंदिर की परछाई, इसकी परछाई भी बच्चे पर असर दिखा सकती है। इसकी धार्मिक शक्तियां मेरी शक्तियों को कम कर सकती है। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी मुझ पर शक हो और मैं अपने लक्ष्य से दूर हो जाऊं। तो तुम क्या करोगे चंद्रलेखा? मंदिर तो यहाँ से हटा ही नहीं जा सकता है ना? पर इस महल को तो अदृश्य किया जा सकता है। अब मैं इस महल को अदृश्य कर दूंगी ताकि बाहरी शक्तियों का असर इस महल पर ना हो सके। अब दुनिया के लिए ये महल अदृश्य हो जाएगा ताकि कोई भी परछाई, कोई भी शक्ति, कोई भी आवाज इस महल को भेद ना सके। अब दुनिया को ये महल तभी दिखाई देगा जब चंद्रलेखा चाहेगी। मंदिर के शुभ असर से राजकुमार और खुद को बचाने के लिए ऐसा मंत्र पढ़ा कि रातों रात वो महल गायब हो गया। और राजकुमार? और उस दिन के बाद से 21 साल बीत गए, उस राजकुमार को किसी ने नहीं देखा। जब भी आती हो डरा देती हो। आज हम तारा दीदी को तारा दीदी नहीं, डरावनी दीदी कहेंगे। अच्छा,
डरावनी मैं या नानी के वो मन घड़न कहानियां जान हथेले पे रख के सुनते रहते हो? मनगढ़ंत नहीं है मेरी कहानियां, सब सच है। जरूरी नहीं कि जो दिखाई दे वही सच हो, कुछ सच अदृश्य भी होते हैं। जैसे हवा, दिखाई तो नहीं देती पर है तो सच। और जैसे भगवान भी और शैतान भी। अच्छा नानी ठीक है, आपको 20 साल हो गए यही कहानी सुनाते सुनाते, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा, इसलिए बोल दिया। दीदी नानी ने देखा है, है ना नानी? तुम्हें पता है ना नानी देख नहीं सकती। आओ, नानी लगती है। अच्छा चलो बच्चों सो जाओ। तारा, चार कदम आगे छिपकली है, ध्यान से। नानी तुम भी ना एक रहस्यमयी कहानी की तरह ना दिखने का नाटक करती हो या सच्ची में दिखाई नहीं देता। तभी तो कहती हूँ कि जो दिखता है वो सच हो जरूरी नहीं, और जो सच हो वो दिखे ये भी जरूरी नहीं। ठीक है ठीक है, चलो बच्चों घर जाके सो जाओ, वरना कल सुबह नित्य अभ्यास में सुनैना दीदी तुम सबको नानी याद दिला देंगी। सुनैना बेटा, माता की चुनरी नहीं लाई क्या? ले आई बेटा, तू इसे खुद ही अपने हाथों से माता रानी को चढ़ा दे। बेटा जब भी हमें माता की बात चलती है तू बड़ी ही बेसब्र हो जाती है। सेवा करने में सबर कैसा, और वो भी माता रानी का, जिसका इंतजार मैं बेसब्री से करते रहती हूँ। तभी तो देवी माता का कोई भी काम तेरे बगैर नहीं होता। और हो भी क्यों, आखिर देवी माँ की सबसे बड़ी भक्त जो हूँ। और पूजा की ये सारी सामग्री तू अपने दुकान से ले आई, तेरी बानर सेना कहाँ है? आती ही होंगी, तारा को भेजा है बुलाने के लिए। महापूजा में 3 दिन ही शेष बचे हैं, उन्हें अच्छे से अभ्यास करवाना। हाँ, आप चिंता मत कीजिए पंडित जी, महापूजा के दिन हमारी वानर सेना आग लगा देगी। हाँ। लंका में? नहीं नहीं, मंच पर। जय माता दी। जय माता दी। प्रणाम महापंडित जी, आप
आप अचानक यहाँ कैसे? मेरा मतलब है, अगर आप खबर भिजवा देते तो मैं आपको लेने के लिए किसी को भेज देती। बात इतनी आवश्यक है कि मैं स्वयं चला आया। आज से 21 वर्ष पूर्व सुनैना के जन्म के समय जिन ग्रह नक्षत्रों की दिशा और दशा के विपरीत होने की बात मैंने बताई थी, उसका समय आरंभ हो चुका है। अब सुनैना को कठिन संघर्ष, संकट और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। राक्षसी मुहूर्त में जन्मा ये बच्चा मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। राजकुमार बनकर पैदा हुआ मगर डाकनी का पुत्र बनकर जीवन बिताएगा। दीदी क्या हुआ, तुम ठीक तो? ये तीर, ये तो किसी राजघराने का लगता है। तीर राजघराने का या किसी गरीब खाने का, पर लेता तो जान ही है ना। और जो इंसान किसी की जान लेना उसे इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। बताओ कोई ऐसे कैसे तीर चला सकता है? अच्छा लगता है कोई शिकारी फिर से बेजुबान पक्षियों को अपना शिकार बनाने निकला है। ये काला धागा नहीं, पहरा है मंदाकिनी, मेरा पहरा जो इस बच्चे पर हमेशा रहेगा। लगता है वहां कोई है। आप
बात इतनी आवश्यक है कि मैं स्वयं चला आया। आज से 21 वर्ष पूर्व सुनैना के जन्म के समय जिन ग्रह नक्षत्रों की दिशा और दशा के विपरीत होने की बात मैंने बताई थी, उसका समय आरंभ हो चुका है। अब सुनैना को कठिन संघर्ष, संकट और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तारा, तो पूजा स्थल के संदूक में से छोटा सा बक्सा तो लेकर आना। जी नानी। क्या ढूंढ रही हो नानी, मैं निकाल दूं? अरे नानी, ये तो दीदी की कुंडली है। दीदी की कुंडली किसी लड़के की कुंडली से मिला रही हो ना? इसमें हंसने की क्या बात है, शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी दीदी की, 21 की होने वाली है, उसके लिए कोई ढंग का लड़का ढूंढना पड़ेगा ना। दिल लगा के ढूंढना नानी, वो क्या कहते हैं ना, 32 के 32 गुण मिलने चाहिए। 32 नहीं, 36 गुण मिलाने होते हैं। अच्छा, तू अब अपनी 32 सी बंद कर और जा यहाँ से, कुछ भी बोलती रहती है। इससे पहले कि मेरी सुनैना पर वो काला साया पड़े, मुझे उससे ब्याह करके यहां से दूर भेजना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी की जान लेने की? इसे जान लेना नहीं, शिकार करना कहते हैं। शिकार करने से जाने नहीं जाती? और ये जो तुम तीर यहां वहां चला रहे हो, तुम्हें पता है एक मासूम बच्चे की जान जा सकती थी। वो तो माता रानी का शुक्र है उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो तीर आकर मेरे पैर के पास गिरा। अगर उसे कुछ हो जाता तो? पर तीर उसे लगा तो नहीं ना? उस बच्चे को नहीं लगी, पर मुझे तो लगी। ये देखो, कहते हैं अगर इंसान अपनी गलती मान लेना तो उसे माता रानी भी माफ कर देती है। और तुम जैसों को तो अपनी गलती पर नहीं बल्कि उसकी माफी मांगने में भी शर्म आती है। तुम आप कहकर बोलो। तुम अभी हमें जानती नहीं कि हम कौन है। जानना भी नहीं है। और तुम आप ये बात जान लो, जो इंसान किसी निर्दोष और बेजुबान को मारे वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। और तुम जैसी बदतमीज और घमंडी लड़की अच्छी हो भी नहीं सकती। पहली बात, किस महापुरुष ने कहा है बदतमीजी करना केवल मर्दों का हक है? और दूसरी बात, लगता है आपको बदतमीजी और तमीज का फर्क नहीं पता। अगर आपको फर्क पता होता ना तो आप जान लेते, यहाँ बदतमीज मैं नहीं कोई और है। घमंडी लड़की, तुमने हमें बदतमीज बोला? मैंने कब कहा? मैं तो बस आपको गुनाह करने से रोक रही थी। ये जंगल हमारा है, यहाँ के जानवरों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी। इसलिए मैं आपको यहाँ शिकार करने हरगिज नहीं दे सकती। तो अब हम भी देखते हैं कि हमें अगली बार शिकार करने से कौन रोकता है। अगली बार एक तीर चलाने से पहले 100 बार सोचिएगा।
क्योंकि इस बार मेरा निशाना आपके तीर पर लगा है, अगली बार मेरा निशाना कहीं और भी हो सकता है। हमारा नाम भी युवराज अधिराज है, इतनी आसानी से इस लड़की को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों, तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ ठीक है दीदी, पर तुम गई कहाँ थी? गई थी किसी को सबक सिखाने। कौन था वो दीदी? था कोई अड़ियल घुड़सवार। पर अड़ियल तो घोड़ा होता है। घुड़सवार भी होता है। अब जरा सवाल मत करो और अभ्यास पर ध्यान दो, कार्यक्रम में अच्छा करना है ना, वरना गांव वाले कहेंगे कि सुने ना जिसे नाच भी नहीं सिखा सकते। और माता रानी को बुरा लगेगा सो अलग। खैर अब तुम लोग अभ्यास पर ध्यान दो। अरे शम्मू, तू क्या सोच रहा है? जी वैसे वो कहां से आया था और कहां गया होगा? कहीं वो राजा रानी के महल की तरह अदृश्य तो नहीं हो गया? हे माता रानी, शैतानी और नानी की कहानी इन बच्चों के दिमाग से कब निकलेगी पता ही नहीं। बदतमीजी और तमीज का फर्क नहीं पता, अगर आपको फर्क पता होता ना तो आप जान लेते। यहाँ बदतमीज मैं नहीं, कोई और है। अगली बार एक तीर चलाने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि इस बार मेरा निशाना आपके तीर पर लगा है, अगली बार मेरा निशाना कहीं और भी हो सकता है। हमारा रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो? राजकुमार आपसे कुछ कहना है। पर मुझे कुछ नहीं सुनना है, हटो यहां से। वो रानी साहब, क्या हुआ मां को? उन्होंने खुद को अपने कक्ष में बंद कर लिया है। क्या? जी राजकुमार, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया पर वो दरवाजा नहीं खोल रही है। मां, इस महल में 21 साल हो गए और आज भी तुम वैसे की वैसे ही दिखती हो। वाह चंद्रलेखा वाह,
मानना पड़ेगा, पूनम का चांद भी ढल जाता है पर तुम्हारी खूबसूरती ढलने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे क्या बात है कि तुम उस अधिराज के लिए 21 साल से तपस्या कर रही हो? उसका राजसी रक्त एक सच्चे राजा का खून बहता है उसके रगों में। अधिराज की कहानी अब तक मैं लिखती आई हूँ और आगे भी मैं ही लिखूंगी। उसकी शादी भी उसी लड़की से होगी जिसे मैंने चुना है, तुम्हारी बेटी कनक।